भारत की पाकिस्तान पर 1971 की ऐतिहासिक विजय हुई थी। ऐसे में झुंझुनू में जिला प्रशासन एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में विजय दिवस मनाया गया और शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि कलेक्टर बचनेश यादव, एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अनिल कुमार पूनिया ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उन्नीस सौ इकहत्तर का युद्ध था, उसमें विजय को आज ये कार्यक्रम है वो दर्शित करता है और युद्ध के दौरान जो हमारे शहीद हुए उनकी याददाश्त के लिए ये कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है। हमने सबने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और देश सुरक्षित रहे, सही रहे, इसी की कामना की। 1971 का युद्ध हुआ था और जिसमें भारतीय सेना ने एक नए आयाम स्थापित किए थे और विश्व को दिखाया था कि हम शांति चाहते हैं और शांति को किसी भी कीमत पर बरकरार रखेंगे। तो इस युद्ध में जो शहीद हुए उनको आज दिल से श्रद्धांजलि और एक अपनी जो गौरव है उसको याद करने के लिए और युवा पीढ़ी को बताने के लिए कि भारत का अतीत बहुत गौरवशाली रहा है और आगे भी रहेगा, इस सबको एक उदाहरण के तौर पर, नज़ीर के तौर पर बच्चों को आगे पेश हो और हम सब उन शहीदों की याद में आज एक इकट्ठे होकर श्रद्धांजलि उनको दी है, यही हमारा। पाक युद्ध जो कि एक अतुलनीय अविस्मरणीय युद्ध रहा है जिसमें कि 14 दिन के अंदर ही जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म हुआ और 90,000 से भी अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को जो है हम लोगों ने सरेंडर करवाया। उसके बाद में देश में और विदेश में जो है भारत ने अपनी ताकत दिखाई। उन वीरों की इस धरती से वो जो हमारे शहीद 1971 में हुए उनको श्रद्धांजलि हम लोगों ने यहाँ पर आज जो है पूरे झुंझुनू ज़िले के निवासियों ने प्रदान करी है। हम चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है इससे प्रेरणा ले और जो है देश के लिए कंटिन्यूअस लगातार जो है काम करती रहे।